खाने के टेबल पर लक्ष्मी ने ऋषि के ऊपर ऐसे हक जताया कि सारे घर वाले देखते रह जाते हैं। अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा। पहले लक्ष्मी या आयुष को समझा देती और कहती कि मेरे और ऋषि के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि ना तुम तोड़ सकते हो ना मैं तोड़ सकती हूँ, क्योंकि ये रिश्ता बहुत ही लंबा चलने वाला है। या आयुष सोचते रह जाता है कि आखिरकार लक्ष्मी ऐसा क्यों कह रही है। इधर देखेंगे ऋषि कहता है कि मैं नई जिंदगी शुरू करने जा रहा हूँ तो इसलिए मैंने अपना नया फोन लिया। और तभी मलिष्का भी घर पे आई हुई होती है तो मलिष्का से कहता कि मलिष्का तुम अपना नंबर इस फोन में सेव कर दो। और मलिष्का अपना नंबर सेव करने लगती है तभी लक्ष्मी वहाँ अचानक से ऋषि से पूछ देती कि मेरा नंबर क्या है। ऋषि उसका नंबर बता देता है। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं कि लक्ष्मी का नंबर तो ऋषि को पूरी याद है। यहाँ पे देखेंगे कि ऋषि का कॉलर थोड़ी टेढ़ी होने वाली है और तभी मलिष्का जाती है और कहती ऋषि तुम्हारा कॉलर टेढ़ा हो गया, और उसके कॉलर को सीधा करने लगती है। तभी लक्ष्मी आती है और वहाँ पे मलिष्का से कहती तुम दूर हटो, ये मेरा काम है, मैं कर लूंगी। सारे घर वाले देखकर शॉक हो जाते कि लक्ष्मी इतने गुस्से में मलिष्का को हटाकर खुद ऋषि का कॉलर ठीक करने लगती है। तभी मलिष्का कहती मुझे लगा था कि तुम किचन में हो। तभी लक्ष्मी कहती तो तुम क्या इस मौके का फायदा उठाने वाली थी, मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगी, ऋषि मेरा है और ऋषि से 2 महीना 7 दिन तो तुम दूर ही रहना, मैंने तुम्हें पहले भी कह दिया, और अगर तुम ये बात भूल जाओगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और ऋषि तुम भी इस बात को अच्छे से याद रखना। या लक्ष्मी का रूप बिल्कुल बदला हुआ नजर आएगा।